श्री <Sessly> महाप्रज्ञुरु न्यायालय में केस चल रहा था न्यायाधीश अपनी कुर्सी पर बैठे थे अभियुक्त सामने खड़ी थी महिला न्यायाधीश ने पूछा कि तुमने अपने पति के सिर पर चोट क्यों लगाई कुर्सी की क्यों मारी वो बोले नहीं साहब नहीं साहब ये तो कुर्सी जाने में क्या बताऊं उसको चोट लगी कुर्सी जाने तो फिर पूछा न्यायाधीश ने कि तुम्हारा अपने पति पर आक्रमण करने की भावना थी भाव था और कुर्सी तोड़ दी तब उत्तर दिया कि न्यायाधीश महोदय कुर्सी तोड़ने की मेरी इच्छा नहीं थी चोट पति के सिर पर चोट लगाने की तो इच्छा थी पर कुर्सी तोड़ने की मेरी इच्छा नहीं थी को तो बचाना था हमारे सामने जो है उसके कई रूप आते हैं मूल नहीं आता कुर्सी टूट गई हमारे सामने है पर कुर्सी तोड़ने के पीछे क्या था वह साफ नहीं कर रहे वह रही भाव में भीतर रह जाता है इसे एक भीतर और एक बाहर का दो हो जाते हैं आज एक नया आंदोलन चल रहा है कि संस्कारों का निर्माण करो अनेक स्थानों पर यह स्वर सुनने को मिलता है कि संस्कार का निर्माण करो मुझे लगता है कि जो भीतर है उसे नहीं पकड़ा जा रहा है बाहर को पकड़ा जा रहा है केवल पाजामा को पकड़ा जा रहा है पाजामे के भीतर जो उसे नहीं पकड़ा जा रहा है मुल्ला नसरुद्दीन घर में था पत्नी बाहर थी आवाज आई धड़ाम सी कोई गिरा है भीतर दौड़कर आई और बोली क्या हुआ कि नहीं कुछ खास बात नहीं क्या हुआ बताओ तो सही का पाजामा गिर गया था पाजामा की तो आवाज इतनी होती नहीं है कि मैं कहा था पाजामे के भीतर ही तो था बाहर कहीं था जो भीतर है उसे हम देखें केवल पाजामा को न देखें पाजामा के भीतर कौन है हम केवल संस्कार की बात न करें संस्कार के मूल की बात करें उधर हमारा ध्यान बहुत कम जाता है एक दार्शनिक प्रक्रिया है उसके शब्द हैं अवग्रह है। ईहा अवाय धारणा चार शब्द है कोई व्यक्ति सबसे पहले किसी वस्तु का ग्रहण करता है सामने कोई रूप आया तो आंख ग्रहण कर लेगी कोई शब्द आया तो कान ग्रहण कर लेगा पहले ग्रहण करता अवग्रह होता है अवग्रह के बाद वह सोचता ये क्या है, है। कहाँ से आया विकल्प करता है इहा करता है और इहा के बाद निर्णय होता है कि यह रूप उसका है यह शब्द उसका है निर्णय के बाद चौथा तत्व है धारणा वह दिमाग में जम जाती है बात एक पहले इंप्रेशन हुआ अब वह स्थिर हो गया वह धारणा और धारणा हो गई कि यही है और उसको मैंने दिमाग में बिठा लिया और वह धारणा जब लंबे समय तक रहती है तब वह बनता है संस्कार वासना अभिच्युति तीन शब्द है उसके लिए वासना अभिच्युति और संस्कार धारणा के तीन नाम बन गए। वह हमारे दिमाग में स्थिर रहता है वह संस्कार अब संस्कार को बदलना है या संस्कार का निर्माण करना है हम पुत को पकड़ रहे हैं मूल को नहीं पकड़ रही है पहले मूल को पकड़े अगर संस्कार का निर्माण करना है पुराने संस्कारों को बदलना है और नए संस्कारों का निर्माण करना है तो पहले अवग्रह पर ध्यान दें एक बच्चा आठ बरस का है दस बरस का वो दिन में दो चार पाँच आठ घंटा टीवी देखता है रेडियो सुनता है और भी कुछ पढ़ता है और उसमें हिंसा की बातें पढ़ता है देखता है मार काट की बात देखता है शख्स की बातें आती है देखता है अवग्रह हो गया और वह अवग्रह कुछ समय बाद धारणा तक पहुंच गया संस्कार बन गया अब आप उसको बदलना चाहे बड़ा कठिन है आपको जागरूक कहाँ रहना है संस्कार के प्रति जागरूक नहीं जागरूक रहना है अवग्रह के प्रति उसकी तो छूट है बच्चे चाहे जो देख सकते हैं बस बटन को दबाया स्विच ऑन किया सब कुछ देख लो भले ही उसके प्रति हम जागरूक नहीं हैं जब एक छात्र विद्यालय में दूसरे छात्र की हत्या करता है उसके प्रति तो हम जागरूक हैं और समाचार पत्र में भी बहुत विस्तार से उसकी न्यूज आती है और लोग चर्चा भी करते हैं देखो हिंदुस्तान भी अमेरिका बन रहा है अमेरिका में तो ऐसा हुआ था कई बार हो गया और अब हिंदुस्तान में भी होने लगा है अब हिंदुस्तान में भी कई बार हो गया इन दिनों में उसके प्रति हमारी चिंता है मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि चिंता संस्कार बन गया उसके प्रति न करें करें अच्छी बात है पर मूल चिंता करें अवग्रह के प्रति के संस्कार का बीज कहाँ है यह संस्कार कैसे बना उस बीज के प्रति चिंता करें बीज कहाँ से आ रहा है यदि हम बीज के प्रति चिंता न करें और केवल फसल पक गई धान सामने आ गया उसके प्रति चिंता करें तो कोई अर्थ नहीं होता बीज कैसा है आपका आपने अच्छा बीज बोया तो अनाज अच्छा होगा और रद्दी बीज बोया तो रद्दी अनाज होगा फसल को देखो पर फसल से पहले बीज को देखो हमें बीज को देखना है कि आज ये जो हिंसा बढ़ रही है छात्रों में बढ़ रही है परिवारों में बढ़ रही है समाज में बढ़ रही है संस्थाओं में बढ़ रही है आखिर इसका बीज क्या है बीज को देखें हम बीज को पकड़ें जहाँ से ग्रहण हो रहा है पकड़ें क्योंकि इंद्रिया और मन दोनों बहुत काम के भी हैं और बहुत निकम्मे भी दोनों हमारे मित्र भी हैं और हमारे शत्रु भी हैं दोनों बातें हैं क्योंकि इंद्रियों के बिना हम जान नहीं सकते हम भाई जगत को जानते हैं तो इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं आंख से रूप जगत को जानते हैं कानों से शब्द जगत को जानते हैं पांचों इंद्रियों के जो पांच जगत है विषय हैं उनको हम इंद्रियों के माध्यम से जानते हैं और जो इंद्रियों से जानते हैं उस पर फिर मन के द्वारा हम चिंतन करके उसको बहुत आगे बढ़ा देते हैं तो इंद्रिया और मन हमारे ज्ञान के साधन है पर जब इंद्रियों के साथ और मन के साथ राग और द्वेष जुड़ जाते हैं तो इंद्रियां भी हमारी दुश्मन बन जाती है मन भी हमारा दुश्मन बन जाता है हम ज्ञान के साधन को ज्ञान का साधन रखें अपना मित्र बनाए रखें दुश्मन न बनाए यह है बीज यह है अवग्रह इस पर ध्यान दें और हमारा ध्यान बहुत कम जाता है बहुत कम जाता है छोटा बच्चा गाली दे रहा था और बद्दी गाली दे रहा था तो किसी व्यक्ति ने पूछा कि शेर जी तुम्हारा बच्चा छोटा है और अभी बहुत रद्दी गाली असली गालियां दे रहा है तो उसने कहा कि क्या करूं मैं तो इसकी देखभाल करता नहीं कोई नौकर कर रहा है और वह गाली देता तो अभी सीख गए कहां से आ रहा है हम स्रोत को पकड़े कि समस्या कहां से आ रही है इंद्रियां और मन कहाँ से विकृत हो रहे हैं इस बात को पकड़ें हम अवग्रह के प्रति जागरूक बने तो हमारी चिंता सार्थक होगी और केवल संस्कार के प्रति जागरूक बने तो चिंता शायद सार्थक नहीं होगी क्योंकि जो पक चुका अब आप क्या करेंगे राजस्थानी की कहावत है कि पक्के घड़े काना कोनी चढ़े घड़ा पक गया अब खाना कैसे लगेगा जब तक कच्चा है कुमार के हाथ में है और वह गलवा गला कर देगा उसका पर पक गया फिर तो नहीं हो सकता फिर तो टूट सकता है लगता नहीं पकने से पहले हम नई पीढ़ी के प्रति जागरूक बने उसके संस्कारों के प्रति जागरूक बने किंतु आगे रुके नहीं संस्कारों के प्रति जागरूक बने अच्छी बात है पर जागरूक उसके प्रति बने कि यह संस्कार कहां से आ रहा है आज हिंसा का संस्कार कहाँ से आ रहा है कुछ वर्ष पहले की घटना है कि एक छात्र ने अमेरिका की घटना है विश्वविद्यालय के गुंबद पर खड़े होकर और पांच दस लोगों को गोलियों से भून डाला जब न्यायालय में पूछा गया कि तुमने ऐसा क्यों किया तो उसने उत्तर दिया कि मेरे मन में प्रसिद्ध होने की भावना जाग गई समाचार पत्रों में पढ़ा कि प्रसिद्ध होना चाहिए होने की भावना जाग गई और कैसे हो सकता है यह भी मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा तो मन में आ गया कि बस मुझे तो प्रसिद्ध होना है और सबका से सीधा रास्ता यह है कि पांच दस लोगों की हत्या करूं और सारे समाचार पत्र में सुर्खियों से मैं बात आ जाएगी मैं प्रसिद्ध हो जाऊंगा अपक्व मस्तिष्क में बहुत सारी गलत धारणाएं जम जाती है गलत धारणा नहीं गलत अवग्रह आ जाते हैं और फिर वे धारणाएं बन जाती है इसीलिए तो कहा कि क्या देखना क्या नहीं देखना क्या सुनना क्या नहीं सुनना क्या खाना क्या नहीं खाना क्या और क्या नहीं सूंघना क्या छूना क्या नहीं छूना ये दोनों हो विधि और निषेध केवल देखना ही नहीं देखने के साथ निषेध भी होना चाहिए यह नहीं देखना है विधि निषेध हमारा सारा व्यवहार जब विधि निषेध के आधार पर चलता है तो अच्छा होता है यह करो या मत करो यह देखो या मत देखो यह मत, मत देखो बस आंखें बंद कर लो भी यह देखने लायक नहीं है मैंने सुना है पूरा तो शायद मैं नहीं जानता इस विषय को पर सुना है कि कुछ फिल्में ऐसी है जो रहता है कभी केवल युवकों के लिए केवल युवकों के लिए पर यह संभव नहीं युवकों से पहले बच्चे देख लेते तो वे संस्कार जमा हो जाएंगे और आजकल तो कुछ ऐसा हो गया कि सारी सीमाएं टूट रही है समाज की सीमाएं टूट रही है लोग तो ये मानते हैं कि विज्ञान ने बहुत विकास किया मैं तो अभी समझ नहीं सका कि इतना विकास क्यों कर रहे हैं समाज को सुखी बनाने के लिए या दुखी बनाने के लिए शायद वैज्ञानिकों के कुछ प्रयत्नों ने समाज को सुखी बनाया सुविधाएं दी है कि आज शिशुदासी से आना था कार बस थी तो इतने जल्दी आ गई पैदल आज चलते तो कल शाम तक पता नहीं कब पहुंचते तो समाज ने सुविधाएं दी है सुख दिया है गर्मी है तो पंखा चला लो ठंडा रखना है तो फ्रीज रख लो और ठंडा मकान बनाना है तो एसी लगा लो ऐसी वैसी काफ़ी सुविधाएं दी है सुख के साधन दिए हैं किंतु तो साथ, -साथ यह भी स्वीकार करें कि कुछ खोजें ऐसी हुई है जो मनुष्य जाति के लिए सुख को नष्ट करने वाली और मनुष्य के प्राण का हरण करने वाली है ऐसी खोजें भी हुई है मैं शस्त्रों की बात छोड़ दू अणुअस्त्रों की बात छोड़ दूं, वे तो घातक है ही किंतु इसके सिवाय भी कुछ ऐसी खोजें हैं कि जिनका कोई अर्थ नहीं है पहले आदमी बहुत सुखी था सुखी था अपने गांव में रहता या आसपास की बात जानता अपनी पंचायत की बात जानता दस बीस किलो मीटर की बात जानता और दुनिया से कोई मतलब नहीं था कहते हैं विकास हुआ है कि हम दुनिया भर की बात को जान लेते अब विकास के साथ मतलब क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आ रहा है आज अगर इराक में लड़ाई होती है हिंदुस्तान का आदमी तो आदमी भावनाशील होता है भावनाशील वह बन जाता है बनता है और अमुक मरा तो आत्महत्या भी कर लेता है क्रिकेट मैच है एक देश का जीता तो वह तो हर्ष और पटाखे छोड़ते जो हारा वहां के लोग आत्महत्या कर लेते ये दूर संचार से हुआ क्या मुझे मालूम है और मैंने स्वयं थोड़ा ये निकट से देखा है कि जब दूसरा महायुद्ध चल रहा था तो हमारे साधु भी थोड़े बंद गए थे कुछ हिटलर का पक्ष लेते थे कुछ चर्चिल का पक्ष लेते थे कोई मतलब तो नहीं था हमारा पर होता है भावना की बात कुछ साधु ऐसा था हिटलर जीतता तो थोड़ी प्रसन्नता आ जाती और हिटलर हारता तब थोड़ी उदासी भी आ जाती हम क्यों बनते हैं यह साधन जिनकी उपयोगिता पर विचार करें तो शायद उपयोगिता कम होगी और अनुपयोगिता ज्यादा होगी आवश्यक नहीं आवश्यकता तो आदमी शांति से सुख से जिए शांति से रहे सुख से जिए कितना छोटा जीवन सौ वर्ष का माना तो कितना छोटा है समय के काल चक्र की विशालता को देखें जहाँ अनंत काल है उसमें सौ वर्ष का अर्थ क्या है पचास वर्ष का अर्थ क्या है इतना छोटा जीवन और वह भी शांति से नहीं जीता मरते समय तक शांति नहीं रहती एक कोई ऐसा आदमी था तो बहुत ज्यादा पंचायती में रहता धन कमाना लड़ाई झगड़ा करना कराना इधर उधर कुछ करना तोड़ भांज में ही रहता रस रह, आता था उसको गांव में कोई साधु आए और लोगों ने कहा महाराज और तो सब ठीक है आप हमारे इस एक आदमी को समझा दो तो गांव का कल्याण हो जाएगा। ऐसे आदमी आज, आज भी हो सकते हैं गांव में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक दो आदमी सुधर जाए तो गांव भी सुधर जाता है पर समस्या रही है साधु ने कहा कि भाई हम लोग आए हैं कभी बातचीत करो प्रवचन सुनो चर्चा करो और शांति से जीने का मंत्र सीख लो बोला महाराज मेरे समय नहीं मैं अभी नहीं आ सकता मेरे पास बहुत काम है मेरे पास केवल घर का नहीं केवल दुकान का नहीं बाजार का काम मेरे पास है अधिकारियों का काम मेरे पास है सब कामों में मुझे रहना पड़ता है मैं अभी आपसे बातचीत करने का समय नहीं निकाल सकता साधु ने ठीक है कई बार कहा समय नहीं है ये तो आप जानते हैं कि समय नहीं है ये आज की तो एक बक्की हो गई बक्की कहते हैं ना ऐसा नहीं एक समय नहीं है हर किसी बात में समय नहीं है नवकार मंत्र का जब करो कि मुझे समय नहीं मिलता सामाई करो मुझे समय नहीं मिलता और कोई धर्माराधना करो मुझे समय नहीं मिलता एक बक्की सी हो गई और उस पर कई बार मैं एक बात कहता हूँ कि एक व्यक्ति ऐसा था जो हर व्यक्ति सामने जाए कहता नहीं मैं बहुत बिजी हूँ मेरे पास समय नहीं घर आता पत्नी कुछ कहती कि नहीं मेरे पास समय नहीं मैं बहुत बिजी हूँ ये बीजी बीजी सुनते सुनते वर्ष बीत गए दस वर्ष बीत गए पत्नी ने सोचा बड़ी समस्या है क्या करूँ ये एक दिन बहुत देरी से आया दो बजे आया पत्नी बोली कि कितनी देर होगी रसोई बने अब आए हो अब तो जल्दी भोजन कर लो नहीं नहीं अभी मैं बहुत बिजी हूँ पत्नी को गुस्सा आ गया गुस्से में आकर और पत्नी बोली देखो एक बात मेरी सुन लेना कान खड़े हो गए क्या एक बात सुन लेना ध्यान से सुनना कि मरो तो पहले एक दिन दो दिन पहले बता देना नहीं मैं भी बहुत बिजी हूं रहूंगी नहीं फिर तुम्हारी यह एक ऐसी बक्की हो गई ऐसी बक्की एक ऐसा एक हो गया कि हर समय के मुझे समय नहीं है समय नहीं है ठीक है समय बीत गया समय किसी के पास नहीं है व्यक्ति तो जानता है पर प्रकृति का नियम चलता है वह नहीं देखता कि समय है कि नहीं बीजी है कि नहीं प्रकृति विजय के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती मौत हो गई एक दिन हो गई अब गांव में पता चला कि अमुक आदमी के तो मौत हो गई तब फिर लोग अर्थी बनाकर ले जाने लगे जब अर्थी जा रही है और बीच में कोई चौक आया और कहते हैं बीच का पासा एक बार ठहराते हैं उस अर्थी को अर्थी को ठहराया तब वह साधु आया बोला कि सब एक बार मुझे आने दो क्यों महाराज क्या करोगी कि मैं इसको कुछ बात कहना चाहता हूँ सुनाना चाहता हूँ मैं इसको शांति का संदेश देना चाहता हूँ कि शांति से जीना बोले महाराज आप भी कैसी बात करते हैं मुर्दा है किसको संदेश देंगे क्या सुनेगा कि तुम समझते नहीं हो जिंदा था तब तो बहुत बिजी था इसके पास समय नहीं था और अब इसके पास बहुत समय अब मेरी बात ये सुन लेगा आप स्वयं सोचें कि हम ये व्यस्त या बिजी या मेरे पास समय नहीं इन शब्दों के जाल में अपने जीवन की सार्थकता को गुम न करें उसका मूल्यांकन करें जीवन की सार्थकता का और मैं जो कह रहा था कि बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसी खोजें कर रहे हैं सब तो निरर्थक नहीं है कुछ तो बड़ी उपयोगी है चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ उपयोगी हुई है और भी सुविधा के क्षेत्र में भी हुई है किंतु कुछ अनावश्यक भी हुई है जिससे आदमी का नुकसान भी हो रहा है तो ये टीवी और इसके भी दोनों पक्ष है एक और तो पता चलता है कि दूर की बात आप देख लेते हैं पर इंद्रियों का जगत ऐसा है इंद्रियों की लालसा कि आप सीमा नहीं रख सकते फिर जो नहीं देखना वह भी आपके सामने आता है हमने अनेक बार ये मीडिया के लोगों से पूछा टीवी के वालों से पूछा कि आप ऐसी बातें हिंसा की सेक्स की जनता के सामने क्यों रखते हैं जिससे जनता का नुकसान हो रहा है बोले हम क्या करें जनता का आकर्षण इसी में वह होती है तो हमारा माल बिक जाता है नहीं होते है, कोई पूछता भी नहीं इसका मतलब है कि इंद्रियों की आकांक्षा है आसक्ति है उसको पोषण दे और पैसा कमाए, ये चक्र चल रहा है इससे कोई समाज का भला नहीं हो रहा है अब संस्कारों का निर्माण हो नहीं सकता अच्छे संस्कारों का निर्माण करना हो तो एक विधि अपनानी होगी हम लोग मुंबई में थे दूरदर्शन के डायरेक्टर हमारे पास आए मुंबई के और बोले कि आपको हमारे कार्यालय में आना है हम लोग कार्यालय में गए बातचीत हुई अच्छे आदमी और काफ़ी चिंतनशील काफ़ी देर हमारी लंबी बात हुई बातचीत के बाद मैंने कहा कि आप एक संतुलन बनाए नया प्रयोग करें उन्होंने कहा क्या ये तो मैं मानता हूँ कि आप ये अश्लील बातें सेक्स की बातें हिंसा की मार काट की बातें दिखाते हैं बोले करे क्या इसके बिना जनता का आकर्षण ही नहीं, नहीं होता कोई सुनता ही नहीं है ठीक है आप इसको एक बार बंद करने की बात नहीं, नहीं सोचे एक संतुलन बनाए अगर एक हिंसा की बात दिखाए तो दूसरा अहिंसा की बात भी एक साथ में दिखा दे और यह बता दे कि हिंसा से कितना नुकसान होता है तो दिमाग ठीक रहेगा संतुलन बनेगा और केवल हिंसा हिंसा परोसी जा रही है केवल कामुकता और काम बिलास भोग विलास ही परोसा जा रहा है तो एक छोटे बच्चे का दिमाग ऐसा बन जाएगा फिर आप उसको संस्कारी बनाना चाहें संभव नहीं असंभव बात हर माता पिता को भी सोचना है कि बच्चों पर पहले से ध्यान रखें पहले खूब छूट दे देते हैं लाड़ प्यार में छूट दे देते हैं और फिर नियंत्रण करना चाहते हैं ये संभव नहीं होता संस्कार का निर्माण प्रारंभ से करें और संस्कार को न पकड़ें पहले अवग्रह को पकड़ें कि यह क्या ग्रहण कर रहा है आंख से क्या देख रहा है कान से क्या सुन रहा है जीव से क्या चख रहा है उस पर ध्यान दें तो फिर संस्कार की बात आएगी अब संस्कार तो पक गया पक्का हो गया देखते देखते और दिमाग के कोष्टक ऐसे बन गए पक्के हो गए धारणा बन गई वासना बन गई संस्कार बन गया अब आप उसको उखाड़ना चाहे, बहुत कठिन काम है बहुत कठिन है संस्कृत में एक बहुत सुंदर सुक्त आता है कि विष वृक्षों समृद्ध है स्वयं छत्रु मतम एक जहरीला वृक्ष स्वयं उगा लिया बीज रख बोया उगा लिया पक्का हो गया अब बढ़ गया तना मोटा हो गया अब उखाड़ना चाहे तो बड़ा कठिन काम होता है स्वयं युक्त भी नहीं माना जाता कि अपने हाथ से तो बोया और अपने हाथ से उखाड़ है हम पहले मूल के प्रति जागरूक रहें बीज के प्रति जागरूक रहें जड़ के प्रति जागरूक रहें कि क्या हो रहा है आज हमारी समाज की समस्या यह है कि हम बीज के प्रति जागरूक नहीं संस्कार का बीज और संस्कार की फसल संस्कार की फसल के प्रति जागरूक है आज लड़ाई झगड़ा बहुत बढ़ रहा है हिंसा बहुत बढ़ रही है आर्थिक लोलुपता बहुत बढ़ रही है अर्थ और धन और सत्ता का लोभ बहुत बढ़ रहा है इसके प्रति तो हम जागरूक हैं किंतु जहां से बढ़ रहा है उसके प्रति हम जागरूक नहीं है हम 20 के प्रति जागरूक बने 20 के प्रति सुकरात को विष दिया गया एक पश्चिमी जगत का एक महान दार्शनिक हुआ है आज तो पूरे विश्व पर छाया हुआ है मैं तो मानता हूं हिंदुस्तान में बहुत बड़े बड़े दार्शनिक हुए हैं पर आज का विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला सुकरात का नाम तो जानता है भारतीय दार्शनिक का नाम शायद नहीं जानता काफ़ी प्रसिद्ध और शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़ा उसका उपयोग है जब जहर दिया गया और मरने की तैयारी पर है मृत्युशया पर शांत कोई भय नहीं वास्तव तो में दार्शनिक था केवल सिद्धांत नहीं पढ़ा था उसने व्यवहार में भी उसका प्रयोग किया था आज दो सब चलते हैं फिलोसॉफी और अप्लाइड फिलोसॉफी उसने प्रायोगिक दर्शन किया था जीवन में प्रयोग किया था तो जब प्राण शिकुड़ रहे तो शिष्य सारे रो रहे रोने लगे ने कहा भी क्यों रोते हो तो आपकी यह दशा हो रही है कि चिंता मत करो मैं पक्का गोला हूँ पूरा निकल जाऊँगा कोई दुख की बात नहीं होगी एक सुंदर बात उन्होंने उदाहरण के रूप में कही कि नारियल जब कच्चा होता है लोग पानी निकालते हैं उस समय जो चिटक होती है इसकी चटकी उसको तोड़ तोड़ कर ऐसे निकालना पड़ता है इतनी जमी हुई रहती है छाल के साथ उससे प्रयत्न करके तोड़ तोड़ निकालना पड़ता है टुकड़े टुकड़े करके किंतु जब नारियल पक जाता है गोला बन जाता है ऊपर से तोड़ो पूरा गोला निकलेगा जब तक आदमी शरीर के साथ चिपका हुआ रहता है तो वह कच्चा नारियल है कि तोड़े तोड़ कर निकालना पड़ता है किंतु जब वह पक्का हो जाता है गोला बन जाता है और शरीर से अपना संबंध अलग कर लेता है कि कोई उसको कष्ट नहीं होता तो मैं तो नारियल का पक्का गोला हूँ और मैंने शरीर से चेतना को अलग कर लिया है इसलिए मुझे कोई कष्ट नहीं हो रहा है तुम क्यों रो रहे हो एक बड़ी पते की बात कही बड़ी महत्वपूर्ण बात कही हम सदा शरीर के साथ ही न रहें शरीर के साथ तो रहना पड़ता है पर कच्चे नारियल की तरह न रहे पक्के गोले की तरह हम शरीर के भीतर रहें पर शरीर के साथ न रहें भीतर रहना एक बात आप घर के भीतर रहते हैं पर घर के साथ तो नहीं होता कि यहां आप जाते घर ही आपके साथ साथ चलता है ऐसा तो नहीं होता शरीर के भीतर रहें किंतु गोला बनकर रहें नारियल का गोला बनकर रहें तो कोई कष्ट नहीं होता है जो शरीर से चिपक कर रहता है आसक्ति में शरीर को ही सब कुछ मानकर चलता है तो फिर उसकी गति वही होती है कि टुकड़े टुकड़े कर उसे अलग करना पड़ता है मैं मानता हूं आज भी हमें सोचना है अगर आपने धर्म के सार को समझना है और समझने का प्रयत्न किया है कर रहे हैं तो आपको इस पर विचार करना है कि हम शरीर में रहें किंतु शरीर से चिपक कर न रहें यह है धर्म का सार अगर पूछे कि धर्म का तत्व क्या है धर्म का सार क्या है क्या धर्म का सार है आत्मा भिन्न शरीर भिन्न है आत्मा भिन्न है और शरीर भिन्न है हमें शरीर के भीतर रहना है पर पक्का गोला बनकर रहना है जब चाहे तब शरीर को छोड़कर हम अलग हो जाएंगे कोई चिंता न हो अगर यह चेतना जाग जाए तो धार्मिक चेतना है और फिर वह व्यक्ति अच्छे संस्कार के साथ जीवन जिएगा और जिसकी यह चेतना नहीं जागती उसके संस्कार फिर आसक्ति के संस्कार बनते हैं मूर्छा के संस्कार बनते हैं फिर वह अपराध लड़ाई झगड़ा ब्लैक मार्केटिंग मिलावट आदि आदि सब कुछ करेगा काला धोले का धंधा भी करेगा लोगों को भी सताएगा शोषण भी करेगा क्रूर व्यवहार भी करेगा क्यों करेगा कि वह शरीर में रह रहा है शरीर से अलग नहीं रह रहा है जब हमारी चेतना शरीर से अलग रहती है तब कोई ऐसा काम नहीं कर सकता वह है अहिंसा की चेतना ओम श्री महाप्रज्ञ गुरु